नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से हो। मेरा नाम सतीश द्विवेदी है और आप देख रहे हो इंजर विद थिवीज चैनल। आज अपन महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आई थिंक किसी ने आपको डायरेक्टली नहीं बताया, बट वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। स्कॉर्पियो एन में अब आपको डुअल पिनियन इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है जो कि पावर स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट ही देखने के लिए मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। स्कॉर्पियो एन की जो ड्राइवर सीट है वहां पे आपको पावर एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं, स्लाइड करने के लिए, हाइट एडजस्टमेंट के लिए और रिक्लाइन करने के लिए। ये चीज किसी भी स्पाई शॉट पे आज तक अपन ने नहीं देखा था। महिंद्रा ने अपने को सरप्राइज दिया। स्कॉर्पियो एन में थर्ड रो में आपको एसी के वेंट देखने के लिए नहीं मिलते हैं, इसीलिए जो सेकंड रो वाले जो एसी के वेंट है उसमें आपको स्पीड एडजस्टमेंट दिया है 1, 2, 3, जिसकी मदद से पीछे वाले जो थर्ड रो वाले पैसेंजर है उनको भी काफी हद तक एसी का एक्सपोजर मिल जाएगा। दैट इज वाई सेकेंड रो में आपको स्पीड देखने के लिए मिल जाती है, मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाता है एसी के फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो ये है कि आपको जो थर्ड रो वाली विंडो है इस बार खोलने वाली नहीं मिलती है। अब तक जितनी भी स्कॉर्पियो आती थी उसमें थर्ड रो की विंडो आप थोड़ी सी खोल सकते थे, पर स्कॉर्पियो एन के केस में वहां पे आपको स्कॉर्पियन की टेल दिखेगी, स्टिंग दिखेगी क्रोम से, उस विंडो को आप खोल नहीं सकते हो। नेक्स्ट चीज की बात करें तो वो ये है कि अब आपको गटर या ड्रिप जैसा बुलेरो में मिलती थी, जैसी स्कॉर्पियो में मिलती थी पानी जिससे निकल जाए, वो आपको स्कॉर्पियो एन में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये चीज आपको काफी अच्छी लगेगी बिकॉज ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लुक दे देता था और अच्छा भी नहीं लगता था, अननेसेसरली एक एलिमेंट लगा दिखता था। तो स्कॉर्पियो एन में आपको गटर देखने के लिए नहीं मिलता। स्कॉर्पियो एन में आपको हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनट देखने के लिए नहीं मिलता, आपको सिंपल बोनट को होल्ड कराना पड़ता है रॉड से, मतलब नॉर्मल बोनट मिलता है। बट हाँ, बोनट काफ़ी भारी है, आपको XUV 700 की तरह भारी बोनट मिलता है जो कि इसकी सेफ्टी को ना एनहांस करता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए।